बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम बहुत अच्छा है, तो शुरू करते हैं आज की न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। और ये कुछ मेरे किचन की ये हालत है आज की। कुछ किचन को जितना मर्जी साफ कर लो, ये गंदा ही रहता है, ये साफ नहीं हो सकता। तो अब मैं किचन को, ये जो हम माइक्रोवेव लेके आए हैं, तो इस माइक्रोवेव को सेट करते हैं, इसकी जगह बनाते हैं ताकि किचन कुछ साफ लगना शुरू हो। क्योंकि ये मिडल में रखा हुआ है तो बस गंदा ही लगता है, साफ नहीं लगता। तो अब मैंने सोचा है कि इसको यहाँ पर मैं सेट कर देती हूँ और ये चीज़ें, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है, कैसा लगता है। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मैं कैसे सेट करूँ, तो मैंने सोचा है कि इस कॉर्नर में ये बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे अब ये सारी जो चीज़ें इधर पड़ी हैं ये हटा लेते हैं और देखते हैं फिर सेट करके कि कैसा लगता है यहाँ पर माइक्रोवेव। आई थिंक यहाँ पे रख लेते हैं, अच्छी जगह बन जाएगी। यहाँ पर ये कॉर्नर मैंने खाली तो किया है, तो इसको अब साफ करती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या बनता है इसका यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे रखना तो है ही, ऐसे खोलना तो है ही है, तो मैंने सोचा कि ये गंद जो डला हुआ है इसको खत्म करें, ये एक दफा हटा के साफ कर लेते हैं सारा कुछ। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, ये वैसे इसके बगैर भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। ये इसके अंदर डाल देती हूँ मेरे ख्याल से, इसको खोल के। यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, अब एक दफा स्प्रे कर देती हूँ ताकि जो जरासीम वगैरह हैं वो खत्म हो जाए। गंदगी सारी खत्म हो जाए, साफ सुथरा एक दफा हो जाए। यहाँ पर मैंने इसकी जगह तो बना ली है, लेकिन अब सैरी छूट गई है, वो रोने लगी है, तो इसलिए इसको इधर रख देती हूँ। अगर मैं इसको यहाँ रखूँगी तो आई थिंक ठीक है, मैं यहाँ पे ही इसको रख देती हूँ और कैटल जो है यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर कैटल हो गई, यस। यहाँ पे कैटल का सिस्टम मैंने कर दिया है, ये पता नहीं ये भी खराब है, हिलना ये ना हो, निकल के हाथ में आ जाए। क्योंकि ये काफी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कहाँ पे सेट करूँ। अभी मैंने इसको खोला नहीं है, अभी सिर्फ ट्राई कर रही हूँ कि कहीं पे यहाँ पर ये सेट नहीं हो सकता, क्योंकि फिर स्विच का प्रॉब्लम आ रहा है अगर इसको मैंने खोल के इधर रख दिया तो। और फिर अभी तो सारी छूट गई है, अब मैं बर्तन धो लेती हूँ, पहले बर्तन धो के और ये चीज़ें समेट के फिर आप लोगों को मिलती हूँ। दूध गर्म किया है, कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मैं इनका सफाई कर रही हूँ, साथ में थोड़ी कॉफ़ी पी लेती हूँ ताकि एक्टिव हो जाऊँ, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा।
सबसे अच्छी कॉफी है नेस्कैफे, सबसे अच्छी इनकी लगती है मुझे। और बस यहाँ पर हमारी कॉफ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, और यहाँ पे ये मैंने बर्तन सारे इकट्ठे कर लिए हैं, यहाँ पे मैंने ये सेटअप कर दिया है, कुछ चीज़ें इधर पड़ी हैं वो भी उठा दूँगी तो ये एकदम से क्लीन हो जाएगा। मैंने बर्तन धो लिए हैं, अब मैं सफाई करने लगी हूँ अंदर की, ताकि यहाँ पे भी अच्छा से साफ हो जाए। और उसके बाद स्प्रे भी मारूंगी ताकि जरासीम वगैरह जो हुए हैं तो वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल साफ हो जाए। यहाँ पे ये हो गया साफ, अब स्प्रे कर देते हैं अच्छे से ताकि जो कोई जरासीम वगैरह है ख़त्म हो जाए। किचन हमारा एकदम से साफ हो गया। स्प्रे भी रख देते हैं इसकी जगह पर, और ये हमारा किचन हो गया है अब साफ सुथरा बिल्कुल। और अब हम करेंगे ब्रश, नीचे से एक दफ़ा मोप फेर लेंगे ताकि नीचे से भी साफ हो जाए। यहाँ पर ये वाला ब्रश करेंगे क्योंकि यहाँ पे साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद मोप फेर दूंगी तो किचन एकदम से साफ सुथरा हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें इसके अंदर घुसी होती हैं, ब्रश से साफ नहीं होती, उसको साफ करना मुश्किल होता है, इसलिए छोटे से थोड़ा मेहनत का काम है, बट ये है कि साफ सुथरा हो जाता है। किचन तो लाजमी साफ होना चाहिए। अगर आप डेली क्लीनिंग नहीं भी कर ले तो वीक में एक दफ़ा तो लाजमी अच्छे से साफ करें, क्योंकि जरासीम किचन में नहीं होने चाहिए। घर के किसी भी कोने में गंद हो चलेगा, लेकिन किचन साफ सुथरा ही अच्छा लगता है। और मैंने सारी लॉबी में भी और यहाँ किचन में भी कर लिया ब्रश, और अब कूड़ा उठा रही हूँ तो कूड़ा उठाने के बाद मैं अब मोप फेरूंगी। यहाँ पर मैंने फर्श पे भी मोप फेर दिया अच्छे से, और यहाँ पर भी बहुत मोप फेर दिया और साफ कर दिया, सारा साफ सुथरा हो गया। तो अब मैं खाना का कुछ करती हूँ, खाना बनाऊँगी अब, और मैंने अब पास्ता बनाना है। तो पास्ता सालन के लिए तो मैंने गोश्त तो बाहर निकाल के रख दिया कि फ्रीज़र में था तो पिघल जाए, तो बस इसके लिए कुछ काट लेते हैं। तब तक प्याज टमाटर वगैरह काटूंगी और पास्ता मैंने बनाना है तो उसकी तैयारी करूंगी। बस यहाँ पर मैंने प्याज काट लिए हैं, अब इनको ब्राउन करूंगी, गोश्त का सालन बनाऊंगी, और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। बहुत शुक्रिया, बाय बाय।